इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहले एक कंडीशन होता है, मान लेते हैं हमारे केस में ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। कंडीशन ट्रू हुआ तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू आएगी, कंडीशन फॉल्स हुआ तो कोलन के बाद वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं, एक ये है और एक ये है, दो ऑपरेटर है तो इसके तीन पार्ट्स हैं, वन टू एंड थ्री, इसीलिए इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि इसमें तीन हिस्से होते हैं। ठीक, अब ये कहता क्या है, किस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखो दो वेरिएबल डिपेंड किया, आई एन टी ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू फोर, और हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे मैक्स, पता करना है कि दोनों में बड़ा कौन सा है। तो अगर इफ एल्स से करना है तो क्या लिखेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मैक्स इज इक्वल टू ए, एल्स मैक्स इक्वल टू बी। ठीक है, मैक्स का वैल्यू प्रिंट कर देना है, प्रिंट ऑफ मैक्स इज इक्वल टू परसेंट डी, यहां पर आइटम लू कर देंगे मैक्स। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगी क्या गेम वैल्यू, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये लाइन एक्सक्यूट होगा, फॉल्स हुआ तो ये लाइन एक्सक्यूट होगा, अगर ट्रू हुआ तो मैक्स में ए की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये बड़ा होगा, और नहीं होगा तो बी में आएगा, अगर दोनों इक्वल हो गया तो मैक्स इक्वल टू ए होगा, तो दोनों इक्वल होकर चले गए। डॉट करके देखते हैं, मैक्स इक्वल टू फोर क्योंकि बी ए से बड़ा है, ए को बड़ा कर देते हैं, लेट्स मेक इट टू डी टू, अब जो है ए आना चाहिए। ठीक है, अब जो इतने लाइंस हैं, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मैक्स इक्वल टू ए, एल्स मैक्स इक्वल टू बी, इतने को हम लोग एक सिंगल स्टेटमेंट में कंडेंस कर सकते हैं यूजिंग टर्नरी। ठीक है, मैक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दैट इज कंडीशन ट्रू हुआ तो कोलन बी। ठीक है, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सेम चीज है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, कंडीशन ट्रू हुआ तो मैक्स इक्वल टू ए, सेम चीज है, एल्स ये वाला हिस्सा हुआ। ठीक है, बी इतना मिला के सेम चीज होता है, तो इतने को हम लोग एक ही स्टेटमेंट में कंडेंस कर सकते हैं। इसको अलग होते हैं, रन करके देखा जाए। ठीक है, अच्छा, ए और बी की वैल्यू को ऐसा करते हैं कि स्कैन कर देते हैं, प्रिंटफ एंटर ए एंड बी स्लैश scanf %d %d and %d and %d। ठीक है, ओके, और हम दो वैल्यू एंटर करेंगे और उसके बेसिस पे आंसर आएगा। हाँ, ये रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू ओवरराइट हो जाना है, हटा देंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं होना है। अब यहां से बिल्ड ए बड़ा देते हैं पहले, तो ए टू हम दे दिया, बी का वैल्यू वन दिया, मैक्स इज टू, उल्टा करके देखते हैं, ए वन ए टू, अरे वही जो बड़ी वाली वैल्यू है वो आ गई। ठीक है, दिस इज टर्नरी। अगर हमको तीन वेरिएबल्स का मैक्सिमम पता करना हो तो क्या करेंगे, यूजिंग टर्नरी। इंटरेस्टिंग, यहां पे हम लोग लगा देते हैं सी, एंटर ए बी एम
एंड क्वेश्चन बी पहले समझने दीजिए। अब यहाँ पर लेंगे एंड क्वेश्चन सी, ठीक है। पहले दो सेपरेट टर्नरी स्टेटमेंट से ट्राई करते हैं। मैक्स क्या किया, ए और बी में कंपेयर करके मैक्स लेके आए ना। अब इसको यूज करके हम एक थर्ड टर्नरी में मैक्स और सी में कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। मैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू हुआ तो मैक्स मैक्स ही रह जाएगा, अदरवाइज सी, ठीक है। यहां पे 3% डीजी, ठीक है। ये मैक्स है, ठीक है। इस मैक्स के जगह पे क्या आएगा, इस मैक्स के जगह पे इसका इनपुट आएगा। इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो इस मैक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक। अब ये पॉसिबल है ना कि इस मैक्स की जगह पे हम ये इतना जो कोड है वो उठा के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, लेट्स ट्राई। इसको यहां से हम कट करें, ठीक है। इस मैक्स की जगह इसको ले आके पेस्ट कर देते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। में डाल देते हैं पूरे को, यहां देखते पोर्शन, ठीक है। मैक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटर इक्वल टू बी, ये कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रहा है। ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, इसको हटा देंगे, वन टू एंड थ्री, दिस इज राइट, थ्री वन टू, दिस इज ऑल्सो राइट, नो 34 आ रहा है। तो हम लोग का स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, x is equal to a greater than equal to b, max, तो max a हो गया, otherwise b, ठीक है। next step, max is equal to max greater than equal to c, condition true are the max else c, ठीक है। ये हम लोगों ने दो स्टेप में चेक किया था, मैक्स की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, वन टू एंड थ्री, थ्री इज मैक्सिमम, थ्री वन टू, देन ट्वेल्व वन थ्री टू, ठीक है। एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू कैलकुलेट होता है और ये मैक्स में आके स्टोर होता है और वो मैक्स यहां पे आता है, ठीक है। दैट सिंपली मीन्स कि अगर हम ये वाली वैल्यू इस जगह पे ले आके इस स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पे और यहां पे, तो एज इट इज काम करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहले
उसके आगे पीछे एक ब्रैकेट लगा देते हैं जस्ट टू मेक थिंग्स मोर क्लियर. इसको मैं असेंबल कट करूंगी. यहां पे दबाएं इसको यहां पे, ठीक है. इस लाइन की हमको जरूरत नहीं है अभी. सही आंसर आता है, चेक कर दो. 1 2 3 3 3 2 1 3 आना चाहिए. तो अगर चो 1 3 2 ठीक है. दिस इज वन कॉम्प्लिकेटेड टर्नरी ऑपरेशन. अच्छा, ये प्रोग्रामिंग के कट पेस्ट रूल को दिखाते हैं. कोई चीज अगर इक्विवेलेंट है तो हम इसको कट पेस्ट करके नए जगह पे पेस्ट कर देंगे तो भी इक्विवेलेंट रहेंगे, ठीक है. अब देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर्स की नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं. ये एक्चुअली वैल्यू नेस्टिंग है, टर्नरी ऑपरेटर का नेस्टिंग नहीं है, क्योंकि हमने मैक्स की जगह पे बस इसको लगा दिया. फिर भी यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर है और एक और टर्नरी ऑपरेटर है. एक टर्नरी ऑपरेटर के दोनों पार्ट्स में हमने एक ही टर्नरी ऑपरेटर लगाया है. इसकी नेस्टिंग हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे? ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी. सबसे पहले हम लोगों ने चेक किया अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो अभी तक हमको पता चला है कि ए बी से बड़ा है. अब हम लोग ए को सी से कंपेयर करेंगे. ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है. देन ए, ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, जो सबसे बड़ा ए है, ठीक है. एल्स अब क्या करना है? इस जगह पे तब आएगा जब ए सी से बड़ा नहीं है पर ए बी से बड़ा है. देखो यहां पे आंसर आना चाहिए सी, ठीक है. ये एक टर्नरी ऑपरेटर यहां से यहां तक में कंप्लीट हो गया. अब हम लोग चेक करेंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी. अगर ये फॉल्स होगा तो यहां पे आएगा, ठीक है. तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी नहीं है तो बी ग्रेटर देन ए है. तो सबसे बड़ा कौन सा है? बी और सी में जो भी बड़ा है वो है बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ओके. कंडीशन ट्रू हुआ तो बी, नहीं हुआ तो सी. वन टू वन थ्री वन थ्री टू वन थ्री थ्री वन एंड थर्टी वन टू थर्टी फोर फाइव. टू थर्टी फोर आना चाहिए. टर्नरी ऑपरेटर्स का नेस्टिंग है. ये एक टर्नरी ऑपरेटर है, इसके एक और है, एक और है. सो ये वन टर्नरी ऑपरेटर और उसके दोनों पार्ट्स में एक एक टर्नरी ऑपरेटर है. लॉजिकल ऑपरेशंस लगा के अगर करना चाहे तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी. ये अगर कंडीशन सही हो गया तो सबसे बड़ा ए, सी. कंडीशन सही हो तो सबसे बड़ा ए, नहीं हुआ तो बी और सी में कंपेयर करेंगे. बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी. अगर ये सही हुआ तो बी, नहीं हुआ तो सी, ठीक है. ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी. कंडीशन सही हुआ तो ए हो गया सबसे बड़ा, नहीं तो बी और सी में कंपेयर किया तो बी हुआ, अदरवाइज सी हो गया. ट्राई करते फिर से. वन टू थ्री थ्री वन टू टू थ्री वन
डिस्कस क्लियर करना चाहें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं, ए लेस देन बी और ए लेस देन सी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो या तो ए बी से बड़ा हो छोटा है, या तो ए सी से छोटा हो, या दोनों से छोटा है। तो अगर ये इतना पक्का है कि ए सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा बी और सी में से कोई है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू हुआ तो बी, नहीं हुआ तो सी। ये जो एल्स है ये इस कंडीशन का एल्स है, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक एक टर्नरी ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। अगर ए बी से छोटा नहीं है और ए सी से भी छोटा नहीं है तो ये सबसे बड़ा है, देयरफॉर चेक कर सकते हैं, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का हम लोग चाहे तो नेस्टिंग कर सकते हैं, जिस लेवल पर करने का मन कट पेस्ट भी कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर को उठा के। अच्छा, ये पूरी चीज अगर हम उठा के और इसको प्रिंट ऑफ में डाल दे तो क्या होगा इंस्टेड ऑफ मैक्स, इसकी भी जरूरत नहीं है, मैक्स डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, काम करेगा करना चाहिए। 1 2 3 ठीक है। टर्नरी टर्नरी बहुत ज्यादा ये सोला, टर्नरी बहुत छोटा कर देता है चीजों में, यूज करना चाहिए। वैसे दो लेवल से ज्यादा नेस्टिंग नहीं करना चाहिए, थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होता है।